चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। माजी आप रो रहे हैं? मैं तो मखौल कर रही हूँ शमेला। खूबसूरत, हाँ मुझे पता है रोते हुए मैं बहुत खूबसूरत लगती हूँ। माजी खूबसूरत मैं हूँ। शर्म नहीं आती ऐसे मौके पे अपनी तारीफें किए जा रही है? तो ऐसा मौका माजी आखिर हुआ क्या है? रजिया की खाला चल बसी शमेला। सब्र करें माजी, कैसे इंतकाल हुआ? अगली किस्त में पता चलेगा नौरीन। क्या कल रात 8 बजे पता चलेगा कि इंतकाल हुआ कैसे था? माँ जी आप ड्रामे की बात कर रही हैं। माँ जी छोड़े ड्रामे को, आज रात के खाने की फिक्र करें, आपकी बारी है खाना पकाने की। ओए ओए कैसी जालिम औरत है तू। ओए लाजी रजिया की खाला चल बसी और तुझे खाने की पड़ी है। माँ जी आप ड्रामे को कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही। अच्छा चले मेरा हाथ बटाया। अभी तो मैं हिल भी नहीं सकती रजवाना। क्यों आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है। ओए अभी साजिश का वक्त है, बैठ जा मेरे साथ। मैंने किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी माँ जी। ओ जहां साजिश ड्रामा है जो टीवी पे अभी अभी लगना है उसको देख। माँ जी जानू बिरयानी को दिल चाह रहा है? नहीं जानू मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ जल्दी से बिरयानी बना लो। मैंने दाल बनाई, खा लेना। इतने बड़े आदमी का दामाद दाल खाता हुआ अच्छा लगेगा क्या? अच्छे तो तुम बिरयानी खाते हुए भी नहीं लगोगे। दाल रोटी तो जेल में भी मिल जाती है खूबसूरत। हाँ तो तुम जेल जाकर खा लो। सालिम औरत रहम कर, 3 लार्ज पिज़्ज़े मंगा ले। आज माँ जी की बारी थी खाना बनाने की, लेकिन वो टीवी के सामने से हिल भी नहीं रहे। मैंने दाल बनाई, खानी है तो खा लो वरना भूखे रहो। जालिम बाप की जालिम बेटी। मैच का टाइम भी हो रहा है यार। हौसला रखे आप। कैसे सब्र करूं? माँ जी। हाँ जी। मैच शुरू होने वाला है। हाँ तो जा जाके खेल, मेरा नाम रोशन करना। ओ माँ जी मैच टीवी पे शुरू होने वाला है यार। तो मुझे नहीं देखना मैच। ओ लेकिन माँ जी मुझे तो देखना है ना यार। तो जाके पड़ोसियों के टीवी पे देख। ओ माँ जी प्लीज मैच लगा देना यार, आप खूबसूरत की जाके किचन में मदद करें। बहुत कर लिए हुसन आरा ने घर के काम। कौन हुसन आरा? मैं और कौन? माँ जी आप हुसन आरा नहीं है यार, आप मुमताज हैं यार। जाएं जाके किचन में काम करें यार, बिरयानी बनाए अच्छी सी। ससुराल के 100 रंग में जो सास है ना, वो मजे से बैठ के ना बहू पर वोट चलाती है। चाबुक? चाबुक नहीं, वो जो तेरी बीवी को चलाने का बड़ा शौक है ना। ओ माँ जी खूबसूरत को यार जहाज चलाने का शौक है। हर वक्त बीवी की तारीफे, मुझे पक्का यकीन है तुझ पे उसने सिफली कराया बच्चू। माँ की तो कोई फिक्र ही नहीं है तुझे। ओ माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप यार, आप हुक्म करें फिर देखें। हाँ हाँ हुक्म, ससुराल के 100 रंग में ना सास हर वक्त बहू पर हुक्म चलाती है, बस मैंने भी वैसे ही करना है। ओ माँ जी यार प्लीज मैच तो देखने देना यार। जा 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 अपने ससुर से दूसरा टीवी मंगा, जा चल इधर से, चल शाबाश। ओ माँ जी, ओ माँ जी, ओ माँ जी। अरे तुम कहाँ जा रहे हो नबील भाई, मैच शुरू होने वाला है। ओ मैं पड़ोस में जाके मैच देखूंगा यार। अच्छा अगर पड़ोसन अच्छी हुई ना तो मुझे मिस कॉल मार देना। महमूद साहब मैं पड़ोसन देखने नहीं जा रहा, मैच देखने जा रहा हूँ। क्यों? यहाँ माँ जी ने टीवी पे कब्जा किया हुआ यार। अरे अभी देख लेता हूँ मैं इसकी ऐसी की है। कुछ नहीं हुआ। अब देखिए मैंने आपके साथ कुछ दिनों पहले फेसबुक पे अपनी पिक्चर्स अपलोड की थी। चलो भाई लाओ रिमोट, इधर दो। मैं रिमोट से नहीं चलती। अरे मैं टीवी के रिमोट की बात कर रहा हूँ भाई, इधर दो। वो मैं आपको नहीं दे सकती, अभी जख्म लगा है। अरे कहाँ लगा है जख्म? आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ। टीवी पे जख्म लगा है मुस्तकीम, कल मेरे 2 सीन निकल गए थे ना, तो वो मैं आज देख रही हूँ रिपीट में। ओहो मोमो, अरे तुम इन ड्रामों के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल हो गई हो। कहीं आप भी रक्षी के मियाँ की तरह मुझे पागल साबित करके दूसरी वो तो नहीं कर लेंगे? अरे कौन रक्षी भाई? जख्म की हीरोइन और कौन? ओह मुझे माफ कर दो भाई। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं इश्फाक? इसका मतलब है आपने दूसरी वो कर ली है। हाय मैं लुट गई हूं, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मुझ पे सौतल लाएंगे तो जान देनी पड़ेगी। अरे तुम अपनी जान मत दो भाई, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं दलावर, जान तो आप देंगे। बिस्मिल्लाह।
मेरा गला ही दबा दिया था। वो तो शुक्र है मेरी जान बच गई। अरे महमूद साहब, आपने बचना ही था। कहाँ आपका इतना बड़ा गला, कहाँ माँ जी के छोटे छोटे हाथ। अरे नबील, तुम्हें मोमो को समझाना चाहिए यार। मैं समझाऊंगा माँ जी को, नेक्स्ट टाइम ना आपका गला प्रॉपर दबाए यार। नबील, तुम्हें मजाक सूझ रहा है इस वक्त यार। अरे मुझे मजाक नहीं सूझ रहा महमूद साहब, मेरा अंगूठा सूझ रहा है, वरना मैं खुद दबाता आपका गला। शट अप नबील, महमूद साहब ठीक ही तो कह रहे। दिन भर घरेलू ड्रामे देख देख कर माँ जी किसी ना किसी साजिश में ही लगी रहती हैं। हाँ, और अभी भी मुझ पर शक कर रही थी। महमूद साहब, आप पे तो गली का बच्चा बच्चा शक करता है, बल्कि वो आपके बड़े सारे मुंह की वजह से आपको मशकूक भी समझता है यार। हाँ नबील, मेरे भी पीछे माँ जी हाथ धोकर पड़ गई हैं। सास बहू के ड्रामे देख देख कर और उन्हें भी जालिम सास बनने का शौक चढ़ा हुआ है। वो क्या हो गया जानू, थोड़ा जुल्म सह लो, क्या हो जाएगा। शट अप नबील। यू शट अप। माँ जी बिल्कुल ठीक कहती हैं, तुम मुझ पर सिफली करा रही हो सिफली। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है नबील। देखो, अगर माँ जी का ये टीवी का नशा नहीं छुड़ाया ना, तो मैं पापा के घर चली जाऊंगी। फिर आप लोग जाने और माँ जी। अरे जानू, तुम तो ऐसे सीरियस हो जाती हो यार। महमूद साहब, आपके जो बड़े सारे मुंह पर छोटा सा दिमाग लगा यार, इसको इस्तेमाल करें ना। देखिए मैं कैसे अच्छे अच्छे प्लान बनाता हूँ। मुझे तुम हर बार कमाल का बनाते हो, वो प्लान होते हैं। हाँ जी, इधर आओ, फिर मेरा प्लान भी सुनो। सुनाए। देखना, इंशाल्लाह तेरी नंद को भी टीबी हो जाएगी। मैंने आज तेरे लिए स्पेशल दुआएं करनी है। मोमो, मोमो। हाँ जी। आओ ना, चल के बाहर थोड़ी सी वॉक करते हैं। नहीं जी, मैंने इधर बैठे बैठे वॉक कर ली है। अरे बैठे बैठे कौन सी वॉक होती है भाई। बात सुने, अभी सकीना का बच्चा अगवा हुआ है, तो जब तक वो नहीं मिल जाता मैं इधर से हिल भी नहीं सकती। बस भी कर दो अब इन ड्रामों की बातें मोमो, चलाओ बाहर वॉक करते हैं। हाय हाय हाय, मैं मर गई, मैं मर गई। हाय, ये क्या हुआ मुमताज, क्या हुआ। हाय, बड़ी जोर की दर्द हो रही है इश्फाक, सुबह से रुक के बैठी हूँ। तू जाओ ना, तुम भी अजीब हो। जाओ, मैं बस अभी। हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। नबील खूबसूरत, ये लो ये रिमोट कमरे में ले जाओ, छुपा दो जाके। बस अब ये रिमोट इनको बिल्कुल नहीं मिलेगा। सही है, चलो नबील। चलो 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 चलो। मेरा वो नहीं मिल रहा यहाँ। वो क्या, वो जो बड़ा तेज चलता है बच्चू। दिमाग। अरे लेकिन वो तो तुम्हारा बिल्कुल ही नहीं चलता भाई। सच सच बताएं, टीवी का वो कहाँ है। अरे मोमो, सुबह ढूंढ लेना ना यार, नींद आ रही है, चलाओ चल के सोते हैं। मुझे पता है ये सब तबस्सुम का काम है, ठहर जाए जरा। तबस्सुम, चलो, मुझे लग रहा माँ जी इधर ही आ रही है। ऐसा बोलो नबील। उठ जल्दी, आओ शुमेला, उठ। क्या हुआ है माँ जी, क्यों शोर मचा रही है। ज्यादा बोली ना बन, चल जल्दी से निकाल दे। दिल तो मेरा भी चाहता है माँ जी कि आप सबको घर से बाहर निकाल दो। चुप्पे, मेरे टीवी का रिमोट दे दे शराफत से। ये टीवी मेरे पापा ने दिया था। हाँ तो थोड़ा बड़ा टीवी नहीं दे सकता था, इतना चुन्ना चुन्ना नजर आता है उसमें। जानू माँ जी कह दो वैसे ठीक रही है यार। सीधी तरह से मुझे रिमोट दे दे वरना। और अगर मैं रिमोट ना दूं तो मैं कफील को अपने साथ बाहर ले जाऊंगी, सारी रात ये मेरे लिए चैनल चेंज करता रहेगा। शौक से ले जाए। आ जा पुत्र, आ जा। चल पुत्र, शाबाश, एक नंबर चैनल आगे बढ़ा। क्या बात, क्या एक नंबर चैनल आगे बढ़ा जल्दी। अच्छा बाजी, आवाज बढ़ा। क्या बाजी, आवाज बढ़ा देना, उठ जल्दी है? प्रोग्राम निकल रहा है मेरा ड्रामा, उठ आवाज बढ़ा। अच्छा मुझे इसकी ब्राइटनेस कुछ कम लग रही है, उठ पुत्र। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल।
चल यार चल इस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी भले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा कोई जाए जाए चलता जा। उठो उठो आओ मेरे साथ। अरे आओ ना। यार महमूद साहब यार सुबह सुबह क्यों उठा के ले आए मुझे? यार महमूद साहब आप मेरा खून करना चाहते हैं? अरे नहीं नबील, अरे इस छुरी से हम केबल की तार काटेंगे। गुड आइडिया महमूद साहब, गुड आइडिया। काटे 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 जबरदस्त काटे काटे शाबाश शाबाश। अरे आपसे तो काटा ही नहीं जा रहा। अब देखे मोमो ड्रामे, ये चीज मेरे जहरीले अजीज उसकी सांस का ही गला काट दिया है मैंने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तबस्सुम फरखता शाकरा सना नसरीन। क्या हुआ माजी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हैं आप? देखना रक्षंदा, केबल बंद हो गया तो अब मुझे वो कैसे आएगी? वो क्या? वही जो आती जाती रहती है। तकलीफ? वो नहीं, वो जो कभी तेज और कभी हल्की हो जाती है। हवा माँ जी? नहीं हवा नहीं वो। अच्छा हुआ केबल बंद हो गई, अब तो सुकून का सांस लूंगी। हाँ हाँ सांस, मेरी तो सांस ही नहीं आ रही शुमैला। आज की किस्त में अंजुम अपनी बहू को दे के ना वो मार देगी। माँ जी मुझे तो लगता है कि केबल का कोई लंबा फॉल्ट हुआ है, दो तो चार दिन लग जाएंगे। ओशे तब तक तो मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा आपको माँ जी, चले मजेदार सा नाश्ता बनाते हैं। चलो। कौन आ गया है? आ रही हूँ जी। क्या काम है? काम तो बड़े बड़े अपने लालू खेत नंबर 3 में अपना चालिया का कारखाना और इस पूरे इलाके में अपना केबल। हाँ। तुम हो कौन मिस्टर? जानू। तुमने मुझे जानू कहा? अरे नहीं, जानू तो तुम कहोगी ना मुझे। मैं क्यों तुम्हें जानू कहूँगी? क्योंकि मेरा नाम जानू है, जानू केबल वाला। केबल वाला, तुम क्यों आए हो यहाँ पे? अरे वाह, पहले तो इतने फोन किए, कब आ रहे हो, कहाँ रह गए हो, अब जब आ गए हो तो एटीट्यूड दिखा रही हो। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैंने आपको नहीं बुलाया, आप खुद आए हैं। हाय वेल्डिंग वाले, तू आ गए, चल अंदर चल। अरे मैं केबल वाला हूँ भाई, केबल लगाता हूँ यार, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। हाँ माफ कर दिया अल्लाह के लिए, अब आओ मेरा गीजर ठीक कर जल्दी। अरे अम्मा मुझे फ्रिज ठीक करना नहीं आता। ओ भाई तू महमूद साहब को ठीक कर सकता है? ओ मजाक कर रहा हूँ महमूद साहब। अरे भाई हमारा फ्रिज बिल्कुल ठीक है। ये फ्रिज नहीं केबल ठीक करने आया है महमूद साहब। क्यों भाई, हमें कोई केबल शेबल नहीं लगवाना इस घर में, हम बड़े इस्लामी लोग हैं। चला चला निकलो यहाँ से। ओए खबरदार, जो केबल ठीक किए बगैर तू यहाँ से गया हो, चल जा फिर केबल ठीक कर। हाँ हाँ अभी देखता हूँ। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। आपकी केबल ठीक? हाँ श्याम बाजू पुत्र, इतने सारे मेरे ड्रामे लगे कि अभी ये ले तेरा नाम गिन ले। अबे 5,000, बहुत शुक्रिया माँ जी, कसम अल्लाह की आज से कोई भी काम हो, कभी भी आपकी केबल खराब हो तो हमने इसी बेटे को याद करना। ठीक है चल निकल। ओ माँ जी क्या जरूरत थी यार इसको 5,000 देने की, मुझे बताती मैं ठीक कर देता। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तार ही ना काटता। इसका मतलब है तुम दोनों ने तार काटा था है? माँ जी ये ना महमूद साहब का आइडिया था भाई। अरे ये क्या कह दिया तबीर?
आप अपने लॉयर को फोन करें, उनसे ये बात डिस्कस करें, जितने भी उनके शेयर्स बनते हैं उन्हें दे के फारिग करें। क्या मतलब फारिग करूं? प्रवीण तेरी इतनी वो कि तू मेरा टीवी बंद कर दे है। माँ जी ये टीवी मेरे पापा के पैसों का है। हाँ तो केबल तो मेरे पैसों से चल रहा है ना। लेकिन बिजली का बिल तो मैं ही देती हूँ ना। बस अब टीवी नहीं चलेगा। तू मुझे जानती नहीं है बच्चू, मेरा नाम भी रहीला है। आपका नाम मुमताज है माँ जी। हाँ मेरा नाम भी रहीला मुमताज है बच्चू। अब तू उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। आप मुझे धमकी दे रही है माँ जी। मैं अपना बखान ना दूं तुझे। अब तू देखना कि मैं करती क्या हूँ। देख रही हूँ। अब देखना बच्चों, बिल्कुल जैसे ससुराल के 100 रंग में रवीना ने अपनी बहू को जहर दिया, मैं भी इसको बहुत अच्छा किया है खूबसूरत जो तुमने मोमो को सुनाई है। अरे सारा दिन टीवी देख देख के हम सबका जीना दोबर किया हुआ है उसने। हाँ यार, बस आज से माँ जी सिर्फ दिन में एक वक्त टीवी देखेंगे। वेरी गुड। नरीन देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। खूबसूरत माँ जी। चल आखिरी बार खूबसूरत कह देती हूँ तुझे। कोई नहीं, ये ले गर्म गर्म चाय। ये जूस है माँ जी। हाँ हाँ ये गर्म गर्म जूस है, तेरे लिए अपने हाथों से बना के लाई हूँ बच्चू। मुझे नहीं पीना, थैंक यू। अरे तो लाओ मैं पी लेता हूँ। नहीं नहीं आप ये पियेंगे तो मैं वो हो जाऊंगी शहबाज। वो क्या खुश? खुश नहीं, बेवा। बेवा बेवा। पर तुझे कैसे पता चला कफील? क्योंकि माँ जी मैंने आपको इस जूस में जहर मिलाते हुए देख लिया था। माँ जी आप मुझे जहर देना चाह रही थी? अरे अगर ये मैं पी लेता तो। हाँ तो मैं आपको बता तो रही थी ना भाई। अरे तुम्हारे वो करने तक तो मैं कब का अल्लाह को प्यारा हो चुका होता। ससुराल के 100 रंग में जो बहू है ना उसके साथ सास यही तो करती थी, वो तो झट से मर गई थी। जा रही हूँ मैं, संग दिल सास शुरू होने वाला है। पता है इस बार प्लान मेरा पक्का होगा बच्चू, देखना। यार नबील कुछ करो, तुम्हारी माँ तो मुझे मार के ही दम लेंगी। हाँ यार, और सारे ड्रामे देख देख के ना उल्टे सीधे प्लान हम पे आजमाएगी। अब एक ही रास्ता है। क्या? अगर हमारा टीवी चोरी हो जाए तो। अरे अब हम चोर कहाँ से लाएंगे भाई? यार मैमू साहब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप खानदानी चोर लगते हैं। नबील और यार पूरा प्लान तो सुन ले। देखिए करना ही होगा। तुझे इतना चाहता है, प्यार करने वालों की कदर करनी चाहिए ना। सिर्फ वो ही नहीं, मैं भी उसे चाहती हूँ। परी उनकी बहू के सर पर ना हो सकता। माफ करो बाबा, ड्रामा देख रहे दो हमें। माँ जी चोर आए हैं, देखे तो सही। जाओ जाओ अंदर, तुम्हें जो चीजें लेनी है ले लो जाओ। मैं रिमोट दे चल मुझे फौरन। नहीं ये मैं नहीं दूंगी। दे जल्दी से, छोटे टीवी उठा ले इसका। ओके बॉस। प्लीज मेरा टीवी ना उठाओ, प्लीज मेरा टीवी ना उठाओ। ये नीला है ना, इसके बाप के पास बड़े पैसे, ये दे देगा तुम्हें। और कितने पैसे हैं नीला के बाप के पास? शट अप, जो करने आए हो वो करो। ओके जानू। आए मेरा टीवी, मैं मर जाऊंगी इसके बगैर तो। अब मैं नहुसत कैसे देखूंगी है। चल रिमोट दे इधर। माँ जी क्या करनी है, हाथ में गन है। खबर दो, अरे हिली अपनी जगह। चल जल्दी करे बॉस। ओ बॉस टीवी तो बंद करे, लेके जाता है। अल्लाह पाक इनका बेड़ा गर्क करे, मेरा घर जावे इनका, कीड़े पड़े इनको मनुष्यों को। हाय नाने खड़े हो तो पानी ना हो इनके लिए। हाय रब्बा, दोनों ट्रक के नीचे आ जाए, मर जाए, दफा हो जाए इधर से। ओ माँ जी ऐसी बद्दुआएं तो ना दे यार, दिल हिला देने वाली बद्दुआएं दे रही हैं आप। छोटे मोटे चोर थे इसीलिए तो टीवी लेके गए हैं सिर्फ। छोटे नहीं बड़े मोटे चोर थे पुत्र, और एक का मुंह तो मसूद जितना बड़ा था। मिट्टी पाओ ना, मिट्टी पाओ। कहाँ
अरे छोड़े माँ जी, देखे ना कितने टाइम बाद हम सब मिलकर बैठे हैं। चले बाहर घूमने चलते हैं। अच्छा चलो चलो सीव्यू चलते हैं। हाँ वहाँ चल के महमूद साहब को ना ऊँट पे बिठा के तो खूब दौड़ाएंगे ऊँट को। चलो अस्सलाम वालेकुम। नूरजहां ये रहती हैं? नहीं यहाँ तो कोई नूरजहां नहीं रहती। वो सगदिल सास के कॉन्टेस्ट में आपने हिस्सा नहीं लिया था? हाय हाय वो मैं थी। मैंने तो बताया था कि गुलबानो अपनी सास को किस किस्त में जहर देगी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो मैडम, आपका जवाब बिल्कुल ठीक था और सगदिल सास की टीम की तरफ से आपको मिलता है 49 इंच का LED। बहादुर ले आओ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं।